Stop, people. Yaar. What's up, people? Y'all. Who all are there? Hello, hello, hello. Put on your show. Good afternoon, sir. Abhishek Trivedi saying, can we have light? Because I missed one light. Light alag hoga na, baad mein hoga.
आज इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट का जब होगा तब लाइट कर देना, आज इलेक्ट्रिसिटी स्केड्यूल है। ओके पीपल कम ऑन वीडियो स्पेशली द वंस हु हैड नॉट अटेंडेड दिस चैप्टर अर्लियर, ध्रुव शाह, जैस्मिन, आदित्य मुंद्रा, actually I'm facing a really bad internet issue at my end, so I won't be able to switch on the video. Hello, people. Hi, Aditya Mundra. Can you hear me? Hello, sir. Yes, sir. Actually, I'm facing that issue. Why can't I? Now I can hear you. Hi Aditya, what's up? Hi sir. Hi Puneet, what's up? Hello sir. Hi. Hi Dhruv, what's up? Hi sir. Hi. Hello Elina. Hi sir. Abhishek, Ameya and Jasmine, put on your videos. Yeah, actually, I'm having a really bad network issue at my end, so I won't be able to switch on my video. Okay. Keep your audio on then. Okay. Abhishek. Yes, Abhishek is here. Hello, Abhishek. Dhruv is also here. Ameya Sonkaskar, waiting for you. Ameya Sonkaskar is also here. How are you, Ameya Sonkaskar? Fine, sir. You're on mobile. So, say, tumko jo main idhar karaunga, dikhega? Ameya, can't hear you. Hello. Ameya, you're muted. Unmute karo na. Haan, bolo. So, aise itne mein kaise dikhega? Ya to usko aise ghuma lo. Or do you have a stand to keep your mobile? चलो कोई बात नहीं, क्या सेकेंड, एवरीवन हियर, और कोई आ रहा है क्या?
चलो चालू करते हैं फिर. नाउ आउट ऑफ यू ऑल हु डिड नॉट अटेंड द इलेक्ट्रिसिटी क्लास अर्लियर, बताओ हाथ उठाओ. इफ यू नॉट अटेंडेड द इलेक्ट्रिसिटी क्लास अर्लियर, रेज योर हैंड. जैस्मिन इज नॉट अटेंडेड. व्हाट अबाउट अदर्स? सबने सब किया हो, फिर क्यों अटेंड कर रहे हो यार आज? और जास्मिन ने नहीं किया हुआ और उसी ने ही वीडियो नहीं ऑन किया, सो देन मैं किसको देख के पढ़ा. ओके चलो फाइन, इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट अबाउट अभिषेक एंड अमेय, हैव यू गाइस अटेंडेड? अमेय सेज ही डिडंट अटेंड द लास्ट पार्ट. ओके व्हाट अबाउट अभिषेक त्रिवेदी, वेयर इज ही? यस सर, आई अटेंडेड. यू हैव अटेंडेड बट मैं आज उठाया हुआ. ओके ठीक है, तो वीडियो तो ऑन करो यार अभिषेक एंड अमेय. सो टुडे आई विल फोकस ऑन द स्टूडेंट्स हु आई हैव नॉर्मली नॉट फोकस्ड ऑन बिकॉज ईदर योर वीडियो वाज ऑन ऑफ और व्हाटएवर द रीजन बी. चलो ओके लेट्स स्टार्ट. ओके जैस्मिन पुट ऑन योर ऑडियो. या ओके, इफ देयर इज अ, इफ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, okay, and then I bring another positive charge here, will it repel or attract? It will repel. Will repel, right? Repel ka matlab ye iske upar force laga raha hai, udhar ja rahi hai na, dono positive charge dheere dheere udhar jayenge. Agar force laga raha hai uske upar to kaise laga raha hai? Because hum jab kisi ke upar force lagate hain to hum haath se lagate hain. If I'm holding this to main apna haath leke aa raha hu na, I can't just press from here aur wo laptop move ho jayega. To hamara haath hota hai यहाँ पे, उससे फोर्स लगा रहा है. कैसे लगा रहा है? मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स. पहली बात तो है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है दोनों, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है. बट माय क्वेश्चन इज कि कौन सी चीज जाके वहां पे फोर्स लगा रही है? सो द आंसर टू दैट इज दैट देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब जैसे हमारे हाथ से हम कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तभी फोर्स लगेगा. दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लगा रहे हैं. अर्थ, ग्रेविटी, हमारा और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है. अभी मैं इतने ऊपर फ्लोर में हूँ, अभी मैं कूदूंगा फिर भी नीचे अर्थ मेरे को फोर्स लगाएगा ना मेरे ऊपर. इट्स अ नॉन कांटेक्ट फोर्स. सो जब नॉन कांटेक्ट फोर्स को दिखाना होता है तो हम ऐसे फील्ड लाइन बना लेते, फील्ड लाइन. इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स को दिखाना है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बनाएंगे. ग्रेविटी दिखानी होती तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन दिखाते. तो बेसिकली अगर हमें फोर्स दिखाना है तो हम फील्ड लाइन से दिखाते हैं. फील्ड लाइन का मतलब होता है कि भाई ये देखो फील्ड है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जहां पे जितनी ज्यादा लाइंस होंगी वहां पे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा. यू गॉट इट जैक्सन? या. सो व्हाट इज फील्ड लाइन? इट्स बेसिकली इट्स अ लाइन व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फोर्स व्हिच इज बीइंग यूज्ड to attract or repel an object which is being applied, not used. So which is being applied to attract or repel the electric charge. So in this case mein electric field line hai, isliye electric charge. theek hai, okay, brilliant. Now electric field line ka direction hota hai. So jo direction hota hai wo humko dikhata hai ki yahan pe agar maine positive charge rakha to kidhar jayega. theek hai, to agar ye positive charge hai तो इसका फील्ड लाइन कैसा दिखेगा? अलग अलग जगह हमको पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो हमको उसका फील्ड लाइन दिख जाएगा, है ना? तो इलीना कुलकर्णी यहाँ पे अगर मैंने रखा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा फील्ड लाइन का? सो इट विल बी आउटवर्ड्स. ओके, ये अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसका फील्ड लाइन कैसा दिखता? सो इट विल बी इनवर्ड्स. क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो इधर जाएगा फोर्स, है ना? इसलिए इसका फील्ड लाइन इस तरफ होगा. और अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका फील्ड लाइन इस तरफ होता. ठीक, ओके, सो दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ओके जैस्मिन, कम इन. या, नाउ इफ आई लीव, इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ आई कीप अ पॉजिटिव चार्ज हियर एंड इफ आई लीव इट, इट विल स्टार्ट मूविंग इट हियर, इट विल स्टार्ट मूविंग हियर, राइट? या. टिल वेयर विल इट गो? There is no such limit, I guess. So it'll go till infinity, क्योंकि उसका field जो infinity तक लगेगा, है ना? It'll go till infinity, right? Okay. If it is here,
the positive charge is here and I need to bring it here. Will I have to apply force? There should be a negative charge where no, your hand is. Thing is, this is a positive charge. I keep a positive charge here and I need to bring it here. Will I have to apply force? Yeah, I guess. Why do you guess? Tell me with confidence. Yeah, right? Because this positive charge is applying force on this positive charge. So to negate that, we'll have to apply another force, right? In the opposite direction. Simple. Right? So we'll have to apply force. And if I'm applying force and then moving the body, I have displacement. And force into displacement is what? Jasmine, I'm only talking to you. Jasmine, hello. Yeah, I don't know. Force into displacement, 9th class mein padha hoga. Abhishek Trivedi, correct. It is work done. Work done by a force is force into displacement. Okay. Theek hai? So if I have to move this here, I'll have to apply work. I'll have to do work. Which will take what from me? It'll take energy. Energy dene se work hota hai. Work ka unit hai joules, energy ka bhi unit hai joules. You remember all this from grade 9? Yeah. Okay. Which means I'll have to put in work in this positive charge to bring it here. This work which I've done in this will be stored as energy in this particular positive charge. Which if I leave, will get converted to kinetic energy while moving. Get it? So yeah. If I bring the positive charge from here to here, it'll gain potential energy. If I leave it, it'll get converted to kinetic energy and its potential will start reducing. You get it? Yeah. So to bring a positive charge from here to here, I'll have to put in work, which will give what energy to this positive charge? Potential energy. Potential energy. But have you heard of potential energy earlier, Kavi? Grade 9 mein padha tha? Yeah. That was gravitational potential energy. Because gravitational force ke against hum usko potential de rahe. Yahan pe this is electrical potential energy, right? Yeah. So each point in an electric field line represents a point of potential, which tells us ki us point mein ek unit charge ke liye kitna potential energy uske paas. Jasmine, complicated ho gaya? Yeah. Okay. So I'll say it in another way. Now, if you want to see ki har point ke paas kitni energy hogi, agar wahan pe hum us positive charge ko leke jayenge, to uske liye humko ek standard banana padega. To hum standard keh rahe hain ki bhai ek unit charge. To maine ye batana bhool gaya main tumko. Actually, I should have just said it pehle. Kisi body mein charge kaise aata? Agar ye body isme charge hai kya? Jasmine. Through batteries. This is glass. Does it have charge? No. But it has electrons. Does it have electrons? Yeah. Because it has atoms, so it'll have electrons. And it'll have protons also. It'll have neutrons also. Yeah. So electron ke upar kya charge hota hai? Jasmine, just keep it unmuted. Huh? Negative. Yeah, just keep it unmuted. So, iske upar electron ke upar negative charge hota hai. Proton ke upar kya charge hota hai? Positive. Neutron ke upar kya charge hota hai? It's neutral. Theek hai. So, structure kaisa dikhta hai? Ki ek andar chota sa nucleus, uske andar kya kya hai? Nucleus ke andar? Protons. And? Neutrons. Theek hai. So, proton aur neutron yahan pe. उसके बाद बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, है ना? तो कभी भी हमको कुछ निकालना होगा यहाँ से तो हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल पाएंगे क्योंकि प्रोटॉन तो बहुत ही अंदर एकदम एटम के. तो जब प्रोटॉन को निकालना होता है तो हम न्यूक्लियर एनर्जी देते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन है वो, क्योंकि न्यूक्लियस को टूटना पड़ेगा. बट जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं एटम्स.
तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, इसलिए टोटल टोटल चार्ज जीरो है। लेकिन किसी तरीके से मैंने इसको घिसा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने, तो जो इलेक्ट्रॉन निकाले उसके पास क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। और इसके पास क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज चार्ज। चार्ज इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते। तो किसी भी बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा। ठीक है, सो चार्ज इज अ क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड एज द एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी। ठीक है, नाउ एसआई यूनिट ये सब नोट कर लो। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट पुनीत सचदेव? कूलम। कूलम सी से डिनोट करते हैं। ध्रुव शाह, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कूलम? C-O-U-L-U-M-B. ठीक है, कूलम। सो सी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैस्मिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वन एम्पियर चार्ज हो सकता है। जैस्मिन सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वन एम्पियर चार्ज हो सकता है? No. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वन जूल चार्ज हो सकता है? या नहीं हो सकता ना, क्योंकि यूनिट हम जूल। अभी अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि इस ग्लास के अंदर इस ग्लास के अंदर 4 किलो दूध है, चलो 4 किलो फिर भी ठीक है। इफ आई से इस ग्लास के अंदर give me a random thing, इस ग्लास, हाँ 50 न्यूटन दूध है, तो इट मेक्स नो सेंस ना, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर दूध इन न्यूटन्स। सिमिलरली इट कैन हैव जूल में चार्ज, इट हैव समथिंग इन कूलम चार्ज। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है अभिषेक त्रिवेदी? अभिषेक त्रिवेदी ये फ्लोट उड़ जाता है यार इसमें, इसलिए दैट्स व्हाई आई से कि -1.8 × 10⁻¹⁸। ये सब गलत बोला। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अभिषेक मैं सही बोला कि यस सर? आपने सही बोला। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम लिख लो भाई सब लोग, और अभिषेक अगर याद नहीं तो उसको 5-6 बार लिख के याद कर लो। कीप रिवाइजिंग इट एवरी डे। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, तो इस पूरे नंबर को हम ई माइनस से डिनोट करते हैं। ई माइनस का मतलब होगा कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो जैस्मिन मकान टेल मी। इट्स माकन। माकन, ओके, ऑलराइट। व्हाट आर यू थिंक? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? इट्स 1.6 × 10⁻¹⁹ सी कूलम। When you write it, write C, but when you say it, say Coulomb. Also, it has negative charge, so it is -1.6 × 10⁻¹⁹. Okay. Now, tell me, Jasmine. Yeah. दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1.6 × 10⁻¹⁹ −9 × 19 × 2. Which is -3.2 × 10⁻¹⁹, right? और तीन तीन इलेक्ट्रॉन के ऊपर × 3, 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर × 4 है ना, तो n इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा दैट इज डिनोटेड बाय q। सो चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल q एंड स्मॉल q फॉर n इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्मॉल q इज इक्वल्स टू n इंटू ई माइनस। तो लिख लो q इक्वल्स टू n ई माइनस। या ओके ठीक है, तो इतना चार्ज होगा है ना। अब
one coulomb positive charge, let's go back to that potential thing that we were talking about. One coulomb positive charge को हमको infinity से यहाँ लाने के लिए force देना पड़ेगा. Force के साथ displacement होगा तो work देना पड़ेगा basically. So the work done to bring one coulomb positive charge from infinity to a point in an electric field is called the electric potential of that point. So let me break it down for you. First important thing is कि तुम किसको move कर रहे हो Jasmine? ऑब्जेक्ट और चार्ज. चार्ज को कितने चार्ज को? पॉजिटिव. नहीं, पॉजिटिव वन कूलम चार्ज. वन कूलम चार्ज. ओके. तो वन कूलम चार्ज को मूव कर रहे हो. कहां से कहां मूव कर रहे हो? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट. करेक्ट. किस में मूव कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कहीं भी मूव कर सकते हो, वर्क डन लगेगा ही. इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी वर्क डन लगेगा, राइट? सो इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट में मूव कर रहे हो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दिस चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? या जैस्मिन, इज इक्वल टू व्हाट? क्यू. नो, क्यू इज चार्ज. This work done is equals to the potential of that point, electric potential. Oh, of that. Okay. Yeah. Okay. इसको note कर लो. Electric potential is defined as the work done to bring unit positive charge from infinity to a certain point in the electric field. I'll put it on the chat. Electric potential is defined as work done on one coulomb positive charge to bring it from infinity to the point in the influence of electric field. Its SI unit is volt, denoted by V. ये भेज दिया मैंने, इसको नोट कर लेना. Done? Yeah. Okay. So V से हम उसका पोटेंशियल डिनोट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है? और उसका फॉर्मूला है, अभी देखो क्या लिखा है. अगर अच्छा मुझे बताओ जैस्मिन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल, और मुझे एक वन कूलम चार्ज को यहां से लेके इन्फिनिटी से लेके यहां तक लाने में 10 जूल का वर्क लगा, 10 जूल का वर्क लगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? हाँ जैस्मिन, 10 कूलम. यूनिट क्या है पोटेंशियल का? सी यूनिट जो है कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज. एंड अभी लिखा है ना मैंने, अभी इधर चैट में भी भेजा है ना, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, डिनोटेड बाय वी. तो यहां पे होगा 10 वोल्ट, ठीक है? अगर मुझे 2 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में 10 जूल वर्क लगा तो पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट. नहीं, तो देखो डेफिनेशन क्या है, वर्क डन फॉर वन कूलम चार्ज. तो मैं कह रहा हूं यहां 2 कूलम चार्ज के लिए 10 जूल लगा. 20 वोल्ट. नहीं, 10 जूल लगा फॉर 2 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम के लिए कितना लगेगा? 5 वोल्ट होएगा ना, ठीक है? सो अगर W वर्क लगा Q अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए तो पोटेंशियल होगा W अपॉन Q, राइट? सो दैट्स द फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू W बाय Q. V इज इक्वल्स टू W बाय Q, चैट पे लिख दिया है.
So you have sent it to me, everyone. Oh yeah, I just sent it to him. Okay, I'll send it to everyone. V equals to W by Q. फिर क्या फॉर्मूला है पुनीत? फॉर व्हाट सर? इसके बाद क्या पढ़े? ओके, व्हाई डोंट यू आस्क सम क्वेश्चंस पुनीत, आस्क सम क्वेश्चंस टू एवरीबॉडी ये फॉर्मूले के ऊपर. आई शुड आस्क. हाँ, यू शुड आस्क. Sir, I don't have any. Okay, I can ask like a commercial unit of energy. नहीं नहीं नहीं, वो पढ़ाया नहीं ना भाई. मैं कह रहा हूँ कि अभी जो फॉर्मूला पढ़ाया V equals to W by Q, उसके ऊपर कुछ सवाल बनाओ और पूछो. Just I will just second ask. अरे ऐसी बना के पूछो ना. अच्छा ठीक है people, चलो अब अभिषेक त्रिवेदी. ओके, सो अगर 5 कूलम चार्ज को हमें इंफिनिटी से लेके एक पॉइंट तक लाने के लिए 50 जूल वर्क लगता है, तो उसका उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? सर कैन यू रिपीट? ओके, आई विल पुट इट ऑन द चैट फॉर एवरीबॉडी. ठीक है, 50 जूल फॉर 5 कूलम. So potential कितना हो? Everyone respond. Correct, Jasmine. W by Q, so 50 by 5, 10, है ना? Very good. Awesome. और अगर 100 joule लगा for 2 cooler, then so what is the question? 100 joule for 2 coulomb. So I have one now. एक मिनट रुको अभी. चैट Right. Okay. Puneet, pucho. Here's what I found. Yeah, Puneet. Okay. So, the charge that we have moved is 20 coulomb and the potential difference is 5 volt. Then the work done in moving the charge will be how much? Chalo, people. Batao. Everyone respond. W equals to what? सबसे पहले given लिख लिया करो, फिर solve कर लिया करो, है ना? तो V equals to W by Q, मतलब W equals to V into Q, है ना? तो 20 into 500. Got it, people? अभिषेक थोड़ा गड़बड़ किया. 20 by 5 या 5 by 20 कर दिया शायद. तो V equals to W by Q, तो W is equals to V into Q हो जाएगा. Get it? आया? अभिषेक, did you get it? So W will be 100 joules. Yes sir, I saw my mistake. Unit के साथ लिखा करो, 100 joules, ठीक है? Okay. Aditya Mundra, ask next question. Sir, if
Q, sir, if W is 40 and Q is 10, then what? 10 kya? 10 kya? 10 coulomb. 10? Coulomb. Coulomb. तो क्या निकालना है? वोल्ट. पोटेंशियल V. तो V will be W by Q, तो 4 है ना, 4 वोल्ट हो जाएगा. ओके, ऑलराइट. सो बेसिकली देन आई एम होपिंग दैट एवरीबॉडी हैज फिगर्ड आउट, है ना, कि कैसे करना. अच्छा, एक बात बताओ, अगर इंफिनिटी से मुझे एक चार्ज को लाने में यू नो 120 जूल्स लगा, ओके, और जिस पॉइंट पे लाया वहां उसका था 30 वोल्ट पोटेंशियल, तो कितने चार्ज को लाए होंगे? जूल्स लगा 30 वोल्ट में लाने के लिए तो कितने चार्ज को लाया होगा? ओके, सबने आंसर दिया? जैस्मिन, डिड यू रिप्लाई? जैस्मिन कम इन. या, सो व्हाट ऑल इज गिवन हियर, टेल मी. Work is given. W is given. Volt is given. Yeah. V is given. V is potential is given. So V is 30 volt. और Q पूछा है. क्या formula है? V equals to W upon Q. So Q is equals to. Just a second. हाँ. I did a mistake here. Okay. So that's what you you don't have to do, na? Mistake nahi karna chahiye. So Q is equals to W by V, right? Ho gaya? Yeah. Kitna ho jayega? Sir, can I answer? Yeah. Sir, 4 coulomb. Correct. You have to find... Yeah, 4 coulomb. Right. So, W by Q, 120 by 30. So, 4. Who was speaking? Achha, Raga was speaking. You just came over. Okay. Theek hai. Toh ho gaya bas, khatam hai na. V equals to W by Q wala formula ho gaya. Achha, ek aur, ye bhi kar sakte hai ki ek 10 volt ke potential se लेके गए 3 वोल्ट के पोटेंशियल तक, 10 वोल्ट के पोटेंशियल से 3 वोल्ट के पोटेंशियल तक लेके गए, कितने चार्ज को? 50 कूलम चार्ज को. तो कितना वर्क डन लगेगा? जैस्मिन, पुनीत करेक्ट, राघव करेक्ट, इलीना करेक्ट, अभिषेक रॉन्ग, कुछ भी रैंडमली डिवाइड मत करो ना, सोचो क्या कर रहे हो, फॉर्मूला क्या है. जैस्मिन कम इन. ओके, सो बेसिकली व्हेन यू टेक इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, यू सी द पोटेंशियल डिफरेंस. अभी एक बात बताओ मुझे कि इस पॉइंट तक लाने के लिए अगर 700 जूल्स लगता इंफिनिटी से, ठीक है, और इस पॉइंट तक लाने के लिए 900 जूल्स लगते. यू गेट इट जैस्मिन? लाने के लिए 900 जूल्स, यहां पे लाने के लिए 700 जूल्स. तो 700 से 900 लाने के लिए कितना जूल लगता? V
We'll subtract the 2 and then we'll find the answer. 700 से 900 कितना? 200. 200, right? So that's the difference. Similarly, अगर ये 10 volt है और ये 3 volt, तो इनके बीच का difference हो गया 7 volt. 7. ठीक है, तो वो V equals to W by Q वाले में V की जगह तुम 7 volt लिखोगे, है ना? यहाँ पे हालांकि 10 volt से 3 volt गया, मतलब ज्यादा वोल्ट से कम वोल्ट गया, तो इसमें वर्क डन लगेगा नहीं, इसमें एनर्जी निकलेगी क्योंकि इसमें हमको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. गेट इट? ओके, सो यू गॉट इट राइट? या. जैस्मिन, आल्सो टेल मी, इफ यू कीप अ पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, विल इट गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? It will go from higher to lower. Positive charge, right? And a negative charge will go from lower to higher. Yeah. Right? So, ठीक है, वो भी अपनी कॉपी में लिख लो. A positive charge will always move from higher potential to lower potential, and a negative charge will always move from lower potential to higher potential. ठीक है? खत्म. अब क्या? Next. Next we will do Ohm's law. So Ohm's law says, actually Ohm's law se pehle let's do resistance. Okay. So Jasmine. Yeah. Ab na mic on rakho na. Don't mute yourself. Okay. So, when there's potential applied, so tumhare paas battery hai, battery? Yeah. Battery mein dekhna, usme likha rahega 1.5 volt ki battery hai, you know, 5 volt ki battery, jo bhi ho. Hamare ghar mein bhi volt hota hai, potential hota hai, so that is 220 volt. So, jitne bhi plug sockets hote hain, jaise jahan pe dalte ho tum, to ek zero potential pe hota hai, ek 220 volt pe hota hai. तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो उससे क्या होता है, जो तुम अपना तार डालते हो उसमें, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं. तो कैसे मूव करेंगे? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करेंगे, जीरो टू 220 की 220 से जीरो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, लोअर टू हायर. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर टू हायर मूव करते हैं, बट कन्वेंशनली वी टेक करेंट एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. कन्वेंशनली असली में पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो होता, असली में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इधर, बट कन्वेंशनली वी टेक इट एज अ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो. तो कन्वेंशनली जो करंट फ्लो हो रहा है वो 220 से जीरो फ्लो हो रहा है. ठीक है, ओके. नाउ द थिंग इज, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्यों फ्लो करते हैं? क्योंकि मेटल्स के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, मेटल के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोटेंशियल लगा तो वो फ्लो करना शुरू करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टकराते रहते. ओके. टकराने के कारण रेजिस्टेंस पैदा होता, तो वो कितना टकराएंगे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे अलाइंड है उस पर्टिकुलर मेटल में. सो हर मेटल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, तो इसीलिए हमको अगर जानना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा किसी वायर में, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि उस किस मटेरियल का बना है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग अलाइनमेंट होता है, मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस. तो हर मटेरियल की हमने एक प्रॉपर्टी निकाल ली है, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका डेफिनेशन आएगा पक्का. सो रेजिस्टिविटी, अब लिख लो रेजिस्टिविटी क्या होती है. सो रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन अ मटीरियल. रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ दिस मटीरियल of length
of unit length and unit area of cross section. इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हो. ओके, पुनीत समझाओ क्या हुआ रेजिस्टिविटी. सो लाइक सो इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी, सो डिपेंड्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. सो एज यू सेड दैट रेजिस्टेंस, सो वी नो दैट लाइक से देयर्स अ 1 meter लॉन्ग वायर एंड इट हैज एन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया से 1 meter square. And so we will find out resistivity by the formula R is equal to rho L by A. Rho is nothing but the resistivity of the nature of the material. Correct. So इनको समझ लेते हैं. मतलब you have to explain कि क्या resistivity क्या. समझाओ. I'll just open my door and come. Okay. So first of all, the resistivity, its unit, SI unit is ohm meter, because as you can formula is R is equal to rho multiplied by L by A. So if we shift L by to the other side, we will get. But R. अभी formula तो बताया ही नहीं ना. अभी थोड़ी बताया. Okay. ठीक है. Elina Kul का निकाम है. Yes sir. Can't see you guys, man. Put on your video, people. Everybody, put on your video. Okay, Elina. Explain resistivity to Jasmine. Yes sir. So. Resistivity is like as Puneet also said, it's a property of materials, and like the resistivity of a material can tell us how fast the electrons can move along the length of the material. So from this, the formula for resistivity is rho L by A, where L is the length, A is the area of the cross section, and rho is the resistance of the material. Why is it rho L by A? Why is it not rho L into A? Because so if the area of cross section, if the length increases, the resistance will increase because the length of the material is it's longer, but if the area is greater, the resistance will decrease, and if the area is smaller, the resistance will increase. So because of that, it's rho L by A. Okay. Jasmine, come in. Yeah. Okay. So imagine you are going inside a house. Okay. You're going to go inside the house, and there are 50 people inside the house. Okay. Now, let me take a better example. So, to which? You just come to Podar, is it? Yeah. Which school were you in before? Saint Mark's School. It's in New Delhi. Oh, Saint Mark's. I've been to Saint Mark's. अपना इसको ऑन रखो ना. इट्स ऑल गर्ल्स राइट? नो नो इट्स कोएड मीराबाग. हां सेंट मार्क्स मीराबाग. इट यूज्ड टू बी ऑल गर्ल्स अर्लियर इज इट? नाउ इट्स कोएड. इट हैज डिवाइडेड इनटू टू स्कूल्स, वन इज गर्ल्स एंड वन इज कोएड. आई वाज स्टडीइंग इन कोएड.
Yeah. So I think when I went 5-6 years ago, that was that. So tell me one thing. So if you so when you are entering the school, suppose there's a passage. Okay, there's a passage which is this long. Yeah. And 50 students have to enter through that particular passage. Okay. The passage looks like this, and then its length is like this. So this is the area of cross section of the passage, and you enter the passage like this. Get it? It's like this. You know, you enter the passage like this. If 50 people have to enter, tell me if this passage was bigger, it'll be easier to enter, or if it is smaller, then it'll be easier to enter. If it is bigger, it will be easier for the people to enter. Right. So if the area of cross section is more, you will have less resistance while entering. Yeah. And if it is area of cross section is less, then you'll have more resistance while entering. Yeah. And this length. So jitna lamba rahega, utni der tak tumko wo resistance milta rahega na. Yeah. If this stops right here, you'll have lesser resistance. If it goes on, you'll have more resistance. Yeah. So length say directly proportional to resistance. So the more the length, the more the resistance. Yeah. Yeah. And what about area of cross section? Is it directly proportional or inversely proportional? Huh? With the area of cross section, how does it depend? Resistance. Sorry, could you repeat the question? With area of cross section, If it's lesser, the resistance will be more. If it's, Yeah, so it's inversely proportional. The resistance will be less. Yeah. I think there's a bit of delay. Okay. So it's inversely proportional, which means, so R is directly proportional to L. And inversely proportional to A. So R is directly proportional to L upon A, right? And hence there's a constant that we bring in, which is R is equals to rho into L by A. That's the formula. So resistance is equals to resistivity into L by A. R is equals to rho. Abhi rho kaise banau main? Rho into L by A. Ye rho jo hota hai, wo aisa banta hai. It looks like this. So make it like this. Opposite of 1 or 9 in Hindi. Uh-huh. Or it is written as RHO. Rho. Okay? So ye formula note kar lo. R equals to rho L by A. Done. Also, Jasmine, another thing is, iske through electrons jayenge. So, ye agar cross section hai, to iske through 1 second mein kitna charge pass hua, that tells us current. So, current is equals to Q upon time. How much ever Q passes through this upon time. Okay. So, usko bhi note kar lo. Another formula is, current I is equals to Q upon time. Current I is equal to Q upon time, and SI unit of current is ampere, denoted by A. R is equal to rho L by A. Yahan pe resistance ye R hai, theek hai? SI unit is ohms, denoted by omega like this. I'll draw it. This is how omega is drawn. Okay. Ohms. Got it, Jasmine? Yeah.
So current is I equals to Q by T. SI unit of current is ampere. Resistance R is equals to rho L by A, where R is in ohms. अच्छा मुझे ये बताओ, अगर R को हम ohms में नापेंगे तो resistivity का SI unit क्या होगा? Jasmine, देखो ये resistivity का SI unit निकालना है. ये ohm है, इसका meter है upon meter square. So ohm, ये meter square. तो कितना resistivity का क्या unit होगा? मीटर स्क्वायर ओम. नहीं ना, ये देखो ये मीटर है, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर कितना बचेगा? वन अपॉन मीटर बचेगा. yeah. और ये मीटर उधर चला जाएगा तो ओम इनटू मीटर हो जाएगा रेजिस्टिविटी का यूनिट. ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओम इनटू मीटर. गॉट इट? हो गया. या ठीक है. अब ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ कहता है कि एक सर्किट में तो देखो सर्किट ऐसे बना. सो सपोज ये है बैटरी. बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना. सो अ डिवाइस दैट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स कॉल्ड बैटरी. बैटरी में से पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा है और ये वायर था और ये रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस ऐसा दिखाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया बैटरी. ये सपोज ये क्या देगा हमको? बैटरी हमको क्या देगा जैस्मिन? सर्किट. सर्किट तो ये पूरी चीज हो गई. बैटरी हमको क्या देगा? चार्ज. चार्ज नहीं, बैटरी हमको पोटेंशियल डिफरेंस देगा. तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है. तो अगर 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट. मतलब ये 5 वोल्ट होगा या 0 वोल्ट होगा. इसका मतलब यहां से एक चार्ज निकलेगा तो उसके पास 5 जूल एनर्जी होगी. जब यहां पे आएगा तो 0 जूल बचेगी उसके पास, एक कूलम चार्ज के पास. यू गेट इट? एक कूलम चार्ज यहाँ 5 जूल लेके निकलेगा, यहाँ पे 5 जूल उड़ा देगा, फिर यहाँ पे आएगा 0 जूल लेके. समझ रहे हो? Okay. Yeah. और कितना चार्ज निकलेगा वो हमको पता चलेगा करंट से. तो यहाँ जितना करंट फ्लो हो रहा है उससे हमको पता चलेगा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है. गेट इट? और ये है रेजिस्टेंस आर, ठीक है. सो ये वी, अगर ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है वी और ये I, ये R. सो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R. इसका जो प्रॉपर ओम्स लॉ है दैट सेज कि एक सर्किट में, सर्किट इज दिस होल थिंग, सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अ बैटरी, वायर, रेजिस्टर, एवरीथिंग कंबाइंड इज कम्स एज अ सर्किट, ठीक है. तो ओम्स लॉ सेज और ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current in a circuit is directly proportional to the voltage, or current through a resistor is directly proportional to the potential difference applied across them. To ek resistance, ek resistor ke across jitna potential difference apply kiya hai usko badhaoge to uske through current bhi badhega. That's what Ohm's law says. Correct? Yeah. So V equals to IR. ठीक है. अभी मैं आपको थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ. व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लेक्चर दैट वी हैव टेकन पहले. उसमें थोड़ा स्लो है, उसमें और ज्यादा क्वेश्चंस मतलब मैंने कराए हैं. तो अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बोलना तुमको, तो देन आई गिव यू मोर क्वेश्चंस सो दैट यू कैन गेट इट. बट इफ यू गेटिंग इट देन आई गो फास्ट. जैस्मिन यू गेटिंग इट? ओके. या ओके ठीक है. तो ये वी इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, नोट कर लो उसको. So, Jasmine,
किसी दो पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है तो हम उसके पास वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे लगाते हैं, ऐसे दो पॉइंट के बीच में ऐसे एक डिवाइस लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर वो हमको बता देता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है। ठीक है एवरीवन, इलीना ठीक है, इलीना यस सर। सपोज दिस इज 10 ओम्स रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर 10 ओम का है ठीक है, और यहां पे वोल्टेज की रीडिंग आ रही है 20 वोल्ट, तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा होगा इलीना? सर 10 एम्पियर। कैसे सर? कैन आई टेल? टू एम्पियर। चार्ट पे बताओ बाकी लोग। हाँ क्या सर? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर राइट। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर है 10, V है 20, आई कितना होगा? 2 एम्पियर, खत्म है ना। यू गॉट इट जैस्मिन? Yeah. तो 2 एम्पियर होता कब? अगर यहाँ पे 20 वोल्ट दिखा रहे, अगर 20 वोल्ट नहीं दिखा रहे हैं, 50 वोल्ट दिखा रहा है तो कितना करंट फ्लो होगा जैस्मिन? 5 एम्पियर है ना, वेरी गुड। अच्छा जैस्मिन टेल मी, 10 वोल्ट है ये, 10 वोल्ट जैस्मिन, अगर यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 6 एम्पियर, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? 60 क्या? वोल्ट मीटर का यूनिट क्या है? ये V है ना, V वोल्ट, वोल्ट मीटर वोल्ट नापता है, 60 वोल्ट ठीक है, तो 6 एम्पियर जाएगा तो 60 वोल्ट। एज यू कैन सी करंट बढ़ते जा रहा तो वोल्ट बढ़ रहा है, या वोल्ट बढ़ते जा रहा तो करंट बढ़ रहा है ना। अभी हमने रजिस्टर को नहीं चेंज किया क्योंकि रजिस्टर तो उतना ही रजिस्टेंस देगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कितना वोल्टेज लगाओगे कितना करंट लगाओगे, वो रजिस्टर के पास उतना ही रजिस्टेंस है, बट हम रजिस्टर चेंज कर सकते ठीक है। ओके आगे सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay. चलो नेक्स्ट सवाल। और क्या? अच्छा एक बात बताओ मुझे कि यहां से एक रजिस्टर है ऐसा ठीक है, आई करंट फ्लो रहा है इधर, और ये है आर रेजिस्टेंस ठीक है। सो जैस्मिन टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू आर? क्यू ठीक है, क्यू, और उस क्यू को हम कैसे रिलेट करेंगे इससे? I equals to Q upon time. Very good. I equals to Q upon T, है ना? So एक हमको है I equals to Q upon T, ठीक है? ये इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो होगा, तो कितना चार्ज फ्लो होगा? Q is equals to I into T, right? Yeah. Okay. This particular V, how is it related to these two? It's V equals to I up into R. Right, V equals to I into R. Brilliant. अभी we also know कि कितना energy ये dissipate करेगा इसके through, तो इसके पास जितनी energy रही होगी, कितनी energy रही होगी? V equals to W by Q वाले से. So W energy रही होगी उसके पास, and W is equals to V into Q. Yeah. V into Q, right? And Q is equals to I into T. W is equals to V into I into T, right? Or you can say V I T. So this is how much energy the charge had
before R, passing through R, and after passing through R, it has lost that much of energy. Iska matlab the heat generated when the charge will pass through resistor, the heat generated will be equals to W is equals to VIT. Likh lo isko. W is equals to VIT. That's the heat generated when डिलीट किया क्या? डिलीट मत करो यार. ओके, W इज इक्वल्स टू वी आई टी. ठीक है, Jasmine, did you get it? Yeah. So that is the amount of heat generated when I current passes through this resistance R, right? Or I current passes when the potential difference between R is V and it passes for T time. So agar V aur I diya hai aur T diya hai, to tum VIT se nikal sakte ho. Uska aur tarika kya hai nikalne ka isko? VIT ek ho gaya. Dusra hai, V ki jagah hum kya likh sakte hain? V equals to IR likh sakte hain. Right? Yeah. Yes, sir. So IR into I into T. Hai na? So V ki jagah IR likh diya into I into T. So kya bach jayega? I square R. I square RT. I square RT. I square RT bach jayega. Hai na? ये स्क्वायर पता नहीं कैसे लिखते हैं, तो देख लेना उसको. ठीक है, आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा, तो उसको लिख लो. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई स्क्वायर आर टी, या फिर आई की जगह लिख सकते थे हम वी अपॉन आर, है ना. इस आई की जगह वी अपॉन आर लिख सकते, तो बन जाता वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, है ना. वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बन जाता. तो तीन फॉर्मूले हो गए, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी आई टी, डब्ल्यू इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर into T. Got it? ठीक है, Jasmine? Yeah. Okay. किसने बोला था कि they didn't attend the, अभिषेक त्रिवेदी तुमने बोला था ना, you didn't attend the last part of the class of electricity. No sir, I said I didn't attend the light part. अच्छा light का बोला, तो किसी ने तो बोला था कि I didn't attend the last part. अमेय सुनकास्कर ने बोला, बट वो तो है ही नहीं अभी. नहीं, अमेय सुनकास्कर इज हियर. अमेय कम. So which part of electricity did you not attend earlier? अमेय यू गॉट इट, तो ठीक है भाई, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ. आई यू इन देयर? आई सेड विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड यू नॉट अटेंड अर्लियर? आई थिंक आई डिडंट अटेंड द मिडिल पार्ट और द लास्ट पार्ट. एनीवे, आई एम आस्किंग विच टॉपिक्स were you not there for, but anyway, ठीक है, छोड़ो. Okay, so अभी हो गया, heat generated भी हो गया ना, power generated क्या होगा? तो W, power क्या होता है Jasmine, पता है क्या? Last class से पता होगा, grade 9 से. Jasmine? Jasmine? Jasmine, are you there? Hello, am I audible? Now you are. Yeah. What was your question? Question was, do you know anything about power? Something that you might have read in last grade 9. Yeah.
the SI unit of power is watt. Okay. Well, what is power? It's basically the intensity of which the current is flowing. Grade 9 mein padha tha na humne power, work done, power, kinetic energy. So, power is equals to work done upon time. एक सेकंड में कितना वर्क डन किया, दैट्स पावर. ठीक है, तो डब्ल्यू बाई टी इज पावर. हेलो, या सो यहां पे डब्ल्यू बाई टी इज इक्वल टू वी आई, है ना, टी इधर आ जाएगा तो डब्ल्यू बाई टी. सो पावर, पावर पी is equals to W by T is equals to V I हो जाएगा, या फिर I square R हो जाएगा, या फिर V square upon R हो जाएगा, है ना. ये तीन फॉर्मूले थे, टू मत लिखना उसको, स्क्वायर लिखना, यहाँ पे वो लिखते नहीं बन रहा इसलिए आप डन दो. सो पावर का फॉर्मूला V I I square R, V square upon R. Khatam. Done. Ek aur cheez hai, drift velocity. Anybody knows what drift velocity is? Yes, sir. Kya ho? So I think like when electrons, like in a solid object is there, it is consisting of many atoms that are packed together, but electrons keep moving in it very swiftly, but they move it with certain drift speed, that is the constant speed which they have, which helps them move, which supplies the external electric supply, like 10 raised to 4 meter per second, minus 4 meter per second, 10 raised to minus 4 meter per second is the drift speed of electrons. No, what did you say? So, अगर ऐसे यहाँ पे जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा भी, है ना, तो वो मूव कर रहा है ऐसे. Yeah. And it's moving. Yeah, it is. Yes. नहीं. It is moving with some velocity. Nope. Okay, so people look here. So drift velocity is अभी. अच्छा एक बात बताओ. Elena, come in. I think you are the only when one. When the current is there. Now yeah. What, Puneet? You said something. When the current is there, then they move with a velocity. Haan. Otherwise, they are stable. Exactly. So, jab potential difference hai, current, to when electrons move, then it's called current. So, when there's potential difference. Elena Kulkarni, come in. Yes, sir. Video pe aao na. Yes, sir. Achha, ek baat batao. Jab tum aise light jalati ho, to jab button dabati ho, to turant light jal jati ki thoda time lagta? So most of the time it comes automatically. Sometimes it'll like blink and then it'll. हाँ वो तो उसका अपना अंदरूनी मामला है, but चालू तो तुरंत हो जाता है ना. Yes sir. When you, so for example when you start a microwave, you press the button and it starts immediately, right? Yes sir. अगर तुम्हारा कोई बालकनी है, बहुत दूर होगा बालकनी, but इधर बटन दबाओगे तो तुरंत उधर लाइट जल जाता है ना. उसका मतलब yes. यहाँ तुमने बटन दबाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां तक एकदम फटाक से पहुंचे, है ना, इतनी फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव किया, स्पीड बहुत ज्यादा होगी उसकी, क्योंकि इतना लंबा तार है पूरे अंदर 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 ऐसे करके गया और वहां तक पहुंच गया, है ना. सर बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नियर दैट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, वो भी तो मूव किए ना, तभी तो ऐसे घूम के वापस आएगा ना, जैसे बैटरी में कैसा होता है, ऐसे करके जाता है ना. हाँ तो इलीना बताओ, गया ना एकदम फटाक से. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू ऑब्जर्व इट इन अ वायर, यू विल सी दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव लाइक दिस, इतने स्पीड से, दिस इज द स्पीड. मेरा हाथ हिलते हुए दिख रहा है क्या तुम्हें? नो. दिस इज द स्पीड विथ विच, अभी हल्का हल्का हिल रहा है, मतलब ये देखो ना, ऐसे अभी यहाँ था फिर यहाँ पे आ गया. दिस इज द स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन्स मूव व्हेन दे आर
put in an influence of electric field. As a snail ki speed, jo snail hota hai na, uski speed se 0.01 meter per second almost. To is speed se chalta hai electron. अगर इस स्पीड से चलता है इलेक्ट्रॉन जब तुम दबाते हो तो बटन, तो इतनी फास्ट कैसे पहुंच जाती फिर एनर्जी? बताओ पुनीत, इतनी फास्ट कैसे पहुंच जाती है एनर्जी वहां? सर, as I said, the wire not consists of not only one but thousands and millions of electrons, so the electrons will obviously be there also. So, हाँ, तो वो रहेगा ना, बट उस वहां तक एनर्जी कैसे पहुंचेगी? ये इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकला है ना, जो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकला वो तो बैटरी यहां से निकला है, तो उस वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को पहले. सो हियर्स द ट्रिक, व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो हमको एनर्जी मिलती है फाइनली, वो वेव की तरह पहुंचती वहां पे, असली में इलेक्ट्रॉन लेके नहीं पहुंचता. क्यों ऐसा होता है? इट्स बिकॉज हमारा इधर एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो अगले अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैसे, तो वो चेंज होता रहता है उसका पोलैरिटी. तो पहले एक तरफ पोटेंशियल होता है, फिर दूसरे तरफ, एक तरफ एक, एक सेकेंड में 50 बार ऐसे चेंज होता है, 50 टाइम, 50 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट चेंज, वैसे हिलता है. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक जगह पे हिलता रहता है ऐसे, और ये हिलता है तो दूसरे वाले को भी हिलाता है, वो तीसरे वाले को हिलाता है, वो उसके बाद वाले को हिलाता है, उसके बाद वाले को, तो ये वेव की तरह लग रहा है. हाँ, इट्स लाइक अ वेव. अब नाइन्थ क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था वेव, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से हट गया था, बट ये वेव की तरह उधर पहुंच जाता है फटाक से, तो इसलिए पूरी एनर्जी वहां पहुंच जाती है. बट द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So the electron moves when it is in the influence of potential or electric field. So the speed with which it moves is called drift velocity, and it is very, very small. It is around 0.01 meter per second. Okay, done. Ho gaya khatam. Theek hai Jasmine, jitna bataya abhi tak samajh mein aaya? Yeah. So give me all the formulae that we have studied today. Okay, so V equals to I into R, and I equals to Q upon T, Q equals to I into T, W equals to V into I into T, it is also equals to I into R into I into T, which is I square RT, W is also equals to V square upon R into T, and W equals to V into Q, power equals to W upon T, which is equals to V into I, and the other two formulas are I squared R and V square upon R. And there is one more formula which you, resistivity wala formula. So can I tell? Yeah. R equals to rho into L upon A. And one formula which you missed is the potential definition. A current one, I think current one is done, yeah. Yeah, you didn't tell me the potential ka formula. Sir, can I tell? Nahi, usne class nahi attend ki na, usko ek bar revise kara do. V equals to W upon Q. Okay. Theek hai Ritwik Vishal, tell me the definition of potential. Potential is the amount of work done to bring one unit of charge from infinity to one specific point in the. Correct. Jasmine, there's another thing that you need to remember. Kitne electrons ke upar 1 coulomb charge hoga. Theek hai? So that's the definition of 1 coulomb. Ritwik Vishal, tell me.
definition of 1 coulomb? I'm not sure. Can I say? हाँ बोलो. So 1 coulomb is equivalent to the charge contained in nearly 6 × 10⁻¹⁸ electrons. 6.24 × 10⁻¹⁸ electrons. Yeah. So note कर लो जैस्मिन. Could you please repeat the value? बोलो भाई. 6.24 × 10⁻¹⁸ electrons. Okay, so okay. Those many electrons together will have 1 coulomb charge. Okay, okay, Jasmine, come in. Yeah. How many electrons for 1 coulomb charge? 6.24 × 10⁻¹⁸. How many protons for 1 coulomb charge? Protons. Proton electron ke upar same charge hota hai. No. Electrons are in negative charge and protons are in positive. Correct. तो इतने 6.24 × 10⁻¹⁸ electrons पकड़ोगे तो -1 coulomb charge मिलेगा. 6.24 × 10⁻¹⁸ protons पकड़ोगे तो +1 coulomb charge मिलेगा. Yeah. Okay. All right. Charge को कौन सी unit में नापते हैं? Q. हाँ, वो तो denote करते हैं, but unit क्या है? SI unit of charge is what? N into electrons. SI unit का मतलब समझ में आता है तुमको, जैस्मिन? Yeah. यूनिट का मतलब है जिस यूनिट में नापते हैं. अभी मास को किस में नापते हैं? मास इज इन केजीज. केजीज, राइट. एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजीज. लेंथ, लेंथ का क्या है? मीटर्स और मीटर. ठीक है, फोर्स. सेंटीमीटर इज नॉट एसआई, मीटर. नो, मीटर्स. या मीटर्स. और फोर्स का क्या है? न्यूटन. ठीक है, वैसे ही चार्ज का क्या है? Jasmine, you muted. I'm thinking. Charge is coulomb. Yeah. Coulomb में नापते हैं ना? Yeah. Potential, sure. Potential किसमें नापते हैं? Volt. Volt. Yeah. Volt. V. Volt में नापते हैं. ठीक है. Resistance किसमें नापते हैं? Beating Jasmine. Ohms. हाँ, and current किसमें नापते हैं? I. No, sorry. Waiting. Current किसमें नापते हैं? It's ampere. Ampere. ठीक है, it's measured in ampere. और वर्क, वर्क किसमें नापते हैं? वर्क जैस्मिन. या आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर. जूल, जूल, जूल में नापते हैं. जे जूल वाली. या पावर किसमें नापते हैं? जहां तक तुमने किया, अगर पुनीत कहां तक कर लिया अभी? लेवल टू फिनिश किया. और एनटीएसी वाला sir, NTSC, the first book that McGraw Hill, I completed that. The second book, I suppose. So level 3 or level 4 finish karo, aaj aur kal mein.
एवरीवन एल्स आल्सो जहां तक किया उसके आगे खत्म करो बट ड्यूरिंग द समर यू नो हॉलीडेज ट्राई टू फिनिश द होल ऑफ वर्कबुक फॉर इलेक्ट्रिसिटी सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड दोज हू आर इन द एनटीएसी ग्रुप फिनिश बोथ द बुक्स इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ठीक है अभी 4:30 हो रहे हैं टेक टाइम टिल 5:00 फिनिश इट अभी जितना हो सकता है उसको अभी कर लो और ज्यादा बैठना चाहते हो और ज्यादा करना चाहते हो फिनिश कर लो इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी जैस्मिन सिंस यू आर डूइंग इट लेट फिनिश लेवल 1 एंड लेवल 2 अभी ठीक है ओके ऑलराइट चलो गाइस बाय बाय सर हां आई हैड अ डाउट इन दैट रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन हां बोलो So in series combination, we know that each resistor has different potential differences. Yeah. But in parallel, all have the same. Why yeah. so? So series ऐसा दिखता है. Yeah, end to end. ठीक है. और parallel कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है. Yes. Right. Yes. हालांकि ये मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में बिकॉज एनी वे दिस नीड्स टू बी डन फॉर अदर्स बट अभी मैं ऐसे बता देता हूँ चलो अभी देखो हमने क्या पता किया था अभी हमने बोला ना कि जैसे जैसे चार्ज फ्लो होते जाता है वो एनर्जी उसका चला जाता है एनर्जी चला जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा है ना हाँ. तो यहां अगर जो पोटेंशियल रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब यहां से चार्ज गया तो उसमें थोड़ा सा वर्क डन हो गया एनर्जी डेसिपेट हो गई तो यहाँ कम पोटेंशियल होगा ना थोड़ा yes. उसके बाद यहाँ और एनर्जी चली गई तो यहाँ और कम पोटेंशियल होगा फिर यहाँ और कम पोटेंशियल होगा इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होते जा रहा है यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से तो अलग अलग पोटेंशियल गेट इट अभी यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल दिस पोटेंशियल दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल मतलब यहाँ हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है 0-0-0 और यहाँ पे हर पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है हाई 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 क्योंकि कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं है रजिस्टर है ही नहीं बीच है ना यहाँ पर इसलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उतना ही रहेगा जितना इस पॉइंट के बीच का है और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ठीक है So how can that be equal? नहीं ये रजिस्टर भी तो बात ही नहीं है ना अभी पॉइंट है ये तार को और ये तार को हम देख रहे हैं तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होगा ना हाँ क्योंकि कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ ड्रॉप होने के लिए बीच में रेजिस्टेंस लगना जरूरी है तो यहाँ कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं था तो ये सब के सब अगर 50 वोल्ट पे है तो हर पॉइंट 50 वोल्ट पे होगा राइट हाँ ये हर पॉइंट 0-0-0 होगा बीच में क्या रेजिस्टर लगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा अब जबकि यहाँ पोटेंशियल तुमको पता चल गया उससे यहाँ करंट जो फ्लो करेगा उस पर डिपेंड करेगा क्योंकि V अपॉन R विल गिव यू I तो ये करंट अलग होगा ये करंट अलग होगा ये करंट अलग होगा ठीक है ऑलराइट ठीक है चलो टेक केयर गाइस हैव फन एंड सॉल्व मोर क्वेश्चंस जितना सवाल करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है आस्क एनी डाउट्स दैट यू हैव ऑन द ग्रुप चलो बाय बाय थैंक यू सर बाय सर थैंक यू बाय थैंक यू सर बाय